बीपीएससी के बाद अब बारी है बीएसएससी की। जी हाँ, बीपीएससी से जहाँ शिक्षकों की बहाली की जा रही है, तो बीएसएससी से स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसकी तैयारी की जा रही है। जी हाँ, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जहाँ कवायद शुरू कर दी गई है, वही द्वितीय इंटर स्तरीय जो परीक्षा है उसके लिए भी जो रिक्तियां हैं वो बढ़ाकर अब विभाग को भेजी जाएंगी। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियां मांगी हैं। दरअसल ये कवायद चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर है, और उसके बाद अब जो है विभाग ने जिस तरह से सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियां मांगी है, तो समझा जा सकता है चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी तेज कर दी गई है और जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये परीक्षा ली जाती है और विभिन्न विभाग में खाली पदों को भरा जाता है। तो इंटर स्तरीय जो है चतुर्थ यानी तीन परीक्षाएं जो पहले ली जा चुकी हैं और अब चौथी परीक्षा के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। वही जो द्वितीय इंटर स्तरीय स्नातक परीक्षा जिसके लिए 12,199 पदों के लिए अधियाचना बीएसएससी को भेजी गई है, उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो पूरी खबर आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या मामला है, किस तरह से सामान्य प्रशासन विभाग ने और भी ज्यादा नौकरियों के लिए बिहार में किस तरह से नौकरियां मिले इसके लिए कवायद शुरू कर दी है, नौकरी वो भी सरकारी। तो ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जिलों के, हम आपको बताएं कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। रिक्तियों के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी जारी की जाएगी। हम आपको बताएं कि अभी तक तीन स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हो चुकी है। पत्र में कहा गया है कि 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर अगले 2 महीने में प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्ति आएगी, यानी तैयारी तेज है चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। हालांकि बताएं कि पिछले दिनों इस परीक्षा को लेकर विवाद भी हुआ था, मामला कोर्ट में भी गया था, हालांकि कोर्ट ने फिर सरकार के पक्ष में फैसला दिया और रिजल्ट जारी कर दिया गया था उसी दिन। हम आपको बताएं इधर दूसरी तरफ जो बीएसएससी के द्वारा ही ली जाने वाली जो इंटर स्तरीय परीक्षा है उसके लिए भी जो रिक्त पदों की संख्या जो 12,199 पद चिन्हित किए गए थे उसमें वृद्धि की जाएगी। 12,199 पदों के लिए अधियाचना बीएसएससी को भेजी गई है और अब इसमें और भी वृद्धि करने की बात की जा रही है। इसके लिए तमाम विभागों को रिक्तियां जो है वो भेजने को कहा गया है और ऐसे में जो बढ़ोतरी होगी, जैसा कि माना जा रहा है कि समान जो बीएसएससी के पास 12,199 पदों के लिए रिक्तियां भेजी जा चुकी है जिसमें समान श्रेणी के लिए 5503, ईडब्ल्यूएस के लिए 1201, पिछड़ा वर्ग के लिए 1377, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2083, अनुसूचित जनजाति के लिए 91, अनुसूचित जनजाति के लिए 1540 व पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 404 पद चिन्हित किए गए हैं। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के 534 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के उद्यान निदेशालय में 48, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में 38, अभियोजन निदेशालय में 69, बिहार अग्निशमन सेवा में 4, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 281, कारा एवं सुधार सेवाओं निरीक्षणालय में 127 पद चिन्हित किए गए हैं। लेकिन और भी पद कहाँ खाली हैं अब उस पर जो है रिक्तियां मांगी गई हैं और 12,199 पदों में ही ये रिक्तियां जोड़ दी जाएंगी, यानी ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने के लिए सरकार तमाम कवायदे कर रही है। और अब शिक्षक बहाली के बाद बीएसएससी से कर्मचारियों की बहाली की बारी आ गई है। नमस्ते, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।